राजश्री सोल से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। समुद्र मंथन प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंगों में से एक है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में किया गया है। स्वर्ग, जिसे देवताओं का निवास स्थान भी मानते हैं, जो सभी ऐश्वर्यों से संपूर्ण है। एक समय ऐसा था जब ऋषि दुर्वास के श्राप के कारण इंद्र और सभी देवता दुर्बल तथा नश्वर हो गए और स्वर्ग और संपूर्ण सृष्टि वैभवहीन हो गई। देवों की इस परिस्थिति का फायदा उठाकर दानवों के राजा बलि ने उनके विरुद्ध सभी युद्ध जीतकर पूरी सृष्टि पर कब्जा कर लिया। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ये सलाह दी कि अगर इस संसार को फिर एक बार समृद्ध करना है और सभी देवों की शक्तियां तथा स्वर्ग का वैभव वापिस लाना है तो उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। सभी देव अपनी शक्तियां खो देने के कारण दुर्बल हो चुके थे और इसलिए समुद्र मंथन का कार्य उनके लिए अब आसान नहीं था। इस समस्या का भी हल भगवान विष्णु ने बताया कि वो इस कार्य में असुरों की मदद ले। मंथन के दौरान समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया था। मंदराचल पर्वत, जिसे मंदरा पर्वत या मंदार पर्वत इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये पर्वत आज बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है। पर्वत के साथ वासुकी, जो सर्पों के राजा है, उन्होंने इस कार्य में नेति यानी रस्सी के रूप में सहायता की। वासुकी नाक की पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने पकड़ा तो मुख की तरफ का हिस्सा दानवों ने। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म यानी एक कछुए का अवतार लिया और आरंभ हुआ समुद्र मंथन का। मंथन के दौरान एक एक कर समुद्र से 14 रत्न निकले। आइए जानते हैं इन रत्नों के बारे में। हलाहल, समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले उत्पत्ति हुई हलाहल की। हलाहल या कालकूट एक ऐसा विष था जो देव और दैत्य दोनों के लिए हानिकारक था, जिसका निवारण उन सभी की विनती पर भगवान शिव ने उस विष का प्राशन कर किया। शिवजी ने उस विष को अपने कंठ में ही रखा और उसे शरीर में जाने से रोका, जिस कारण उनका कंठ नीले रंग का हो गया और तब से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा। कामधेनु गाय, पुराणों में कामधेनु गाय को मनोकामनाएं पूरी करने वाली गाय बताया गया है। कहते हैं कि इस गाय को समुद्र मंथन के पश्चात ऋषि वशिष्ठ को दिया गया था। उन्हें सुरभि, सुनंदा, सुमन इन अन्य नामों से भी पूछते हैं। उच्चैश्रवा घोड़ा, ये 7 मुखों वाला सफेद रंग का घोड़ा था। इसे सभी घोड़ों में सबसे तेज घोड़ा माना जाता है। माना जाता है कि मंथन के पश्चात ये घोड़ा असुरों के राजा बलि ने रख लिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये घोड़ा भगवान इंद्र को प्रदान हुआ था। इसके अलावा ऐसा भी कहते हैं कि ये घोड़ा सूर्य देव का वाहन है। ऐरावत, फिर उत्पत्ति हुई ऐरावत की, जो कि एक सफेद रंग और 4 दांतों वाला एक सुंदर हाथी था। ऐरावत इंद्रदेव का वाहन है और इस वजह से इसे इंद्रकुंजर या इंद्रहस्ती भी कहते हैं। ईरा का अर्थ होता है जल और इस हाथी की उत्पत्ति जल से होने के कारण इसे ऐरावत कहा जाता है। कौस्तुभ मणि, ऐरावत के बाद आया कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पे धारण किया। कल्पवृक्ष, जिस तरह कामधेनु गाय को इच्छा पूर्ति करने वाली कहा जाता है, उसी तरह पुराणों में कल्पवृक्ष को इच्छा पूर्ति का पेड़ कहा गया है। इस वृक्ष को इंद्रदेव को दिया गया था। इस वृक्ष को कल्पद्रुप, कल्पतरु इन नामों से भी जाना जाता है। पारिजात वृक्ष, इस मंथन से पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई।
पारिजात वृक्ष के फूल देवी देवताओं की पूजा में अधिकतर इस्तेमाल किए जाते हैं। भगवान इंद्र ने इस वृक्ष की स्थापना स्वर्गलोक में की थी और ऐसा भी मानते हैं कि इस वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण धरती पर लेकर आए थे। वारुणी। पारिजात वृक्ष के बाद उत्पत्ति हुई वारुणी यानी मदिरा की, जिसे दैत्यों को दिया गया। रंभा। वारुणी के बाद प्रकट हुई रंभा, जो मान्यता के अनुसार इंद्रदेव के दरबार की प्रमुख अप्सरा है। माता लक्ष्मी। फिर कमल के आसन में विराजमान समुद्र में से प्रकट हुई मां लक्ष्मी। सभी असुर और देवता चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिले, परंतु मां लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से पांचजन्य नाम का शंख प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु को प्रदान किया गया। अगर भगवान विष्णु के चित्र को देखे तो इस शंख को भगवान विष्णु के बाएं तरफ के ऊपरी हाथ में पाया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है और कहते हैं कि जहां शंख होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजा के दौरान शंख को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे विजय का प्रतीक भी मानते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई। चंद्रमा को भगवान शिव के मस्तक पर स्थान दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा ऋषि अत्रि और अनुसया के पुत्र है। धन्वंतरी और अमृत। आखिर में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत के घड़े के साथ प्रकट हुए। पुराणों के अनुसार धन्वंतरी इस विश्व के सबसे महान चिकित्सक और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमृत का सेवन करने से अमरत्व प्राप्त होता है, जिस कारण इस अमृत को पाने के लिए देवों और दैत्यों में भगदड़ मच गई। अमृत को दैत्यों से बचाने के लिए भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अमृत के घड़े को लेकर उड़ने लगे और उड़ते समय उस घड़े से चार जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी, जो थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और इस वजह से इन जगहों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। सभी प्रयत्नों के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और दैत्यों का ध्यान विचलित किया और अंत में अमृत देवों को प्राप्त हुआ, जिसकी मदद से उनकी शक्तियां लौट आई और स्वर्ग और सृष्टि का ऐश्वर्य भी लौटा।